वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी मिली है। इस्लामिक आगास मूवमेंट के नाम से जज रवि कुमार दिवाकर को रजिस्टर डाक से ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। ये मामला सामने आने के बाद जज के लखनऊ और वाराणसी में बने घर की सुरक्षा के लिए 9 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार शाम को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 21 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें सबसे अहम नाम कानपुर नगर की DM नेहा शर्मा का है। हिंसा के 5वें दिन उनको हटा दिया गया। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव विशाख जी को एक बार फिर कानपुर नगर का DM बनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज नड्डा ने बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक का उद्घाटन किया, साथ ही हुगली में वंदे मातरम भवन का दौरा भी किया। लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर है। उसने 3 दिनों तक घर में 10 साल की बहन के साथ मां की लाश को रखा। हत्या की वजह मोबाइल गेम PUBG बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि PUBG न खेलने देने से नाराज किशोर ने मां को 6 गोलियां दाग दी। मर्डर के बाद पार्टी भी की। हालांकि पुलिस पूछताछ में मर्डर की एक दूसरी वजह भी सामने आ रही है। आरोपी बेटे के मुताबिक हत्या के पीछे एक तीसरा आदमी है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 6,000 का जुर्माना देकर उन्हें छोड़ दिया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 1.5 माह की सजा भी सुनाई है। इसमें उन्हें तत्काल जमानत मिल गई। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर है। नड्डा ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग रखी। इसे लेकर हाल ही में भाजपा से TMC में शामिल हुए जयप्रकाश मजूमदार ने विरोध किया। उन्होंने कहा, नेशनल लाइब्रेरी का उपयोग पॉलिटिकल मीटिंग के लिए नहीं किया जा सकता, ये कानून के खिलाफ है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब सरकार ने 424 VVIPs की सुरक्षा वापसी के फैसले पर U-turn लिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद भगवंत सरकार ने VVIPs की सुरक्षा बहाल करने का फैसला लिया। ईरान में एक ही दिन में 12 कैदियों को फांसी दे दी गई। ईरान ने जिन 12 कैदियों को फांसी दी है उनमें 11 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल है। ये सभी बलूचिस्तान के रहने वाले थे और सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इन सभी पर ड्रग्स की तस्करी या फिर हत्या करने का आरोप है। ईरान में लगातार दी जा रही फांसी से मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ गई। बॉलीवुड की क्वीन कंगना इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। उनकी इस बयानबाजी में पॉलिटिकल कमेंट्स ज्यादा रहते हैं। फिलहाल कंगना बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सपोर्ट में उतरी हैं। उन्होंने नुपुर के सपोर्ट में लिखा है कि यह अफगानिस्तान नहीं है। दरअसल नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मिले धमकी भरे खत के मामले में मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात शख्स के नाम पर केस दर्ज किया है। अब इस मामले में पुलिस ने सलमान का बयान दर्ज करवाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को दिए गए बयान में सलमान ने धमकी मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और न ही मुझे किसी ने धमकी दी है।